मैं क्या नहीं करना चाहूंगा, केबीसी होस्ट करना चाहूंगा। अच्छा। मैं बोल भी दूं तो कोई मतलब नहीं है। दिग्गजों के साथ काम करके तो मैं, मेरे को लग रहा है मैं भी एक दिग्गज हूँ। आई थिंक एक तो आई तो गॉट लॉस्ट, सॉरी सॉरी, और मैं क्वेश्चन भूल गई। टेलीविजन गॉट लॉस्ट। आपने टीवी उस समय बहुत लाइफ जो थी बहुत ईज्ड आउट थी, मतलब बहुत ठहराव था, बहुत ज़्यादा भागते नहीं थे हम लोग, वो गति मिस करता हूँ। बदलाव आना ही है, बदलाव को एक्सेप्ट करना ही समझदारी है, मुझे ऐसा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनचक्रवात। और आज हमारे बीच हैं ये मेरी फैमिली की टीम, सीजन 2 की टीम। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या खास है इस सीजन में। सबसे पहले तो जूही जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये OTT डेब्यू हो रहा है तो कितना एक्साइटेड हैं आप इस चीज़ को लेके? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि डेब्यू और डेब्यू विद सीरीज लाइक ये मेरी फैमिली इज स्पेशल इन इटसेल्फ। और TVF इज़ नोन टू मेक ग्रेट शोज़ और ये मेरी फैमिली का पहला सीजन बहुत सराहा गया है, तो ऑलरेडी मालूम है कि ये बार इज सेट एंड यू आर गोइंग टू ओनली, यू शुड टेक इट ओनली हायर एंड फॉरवर्ड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी डेब्यूइंग विद ये मेरी फैमिली। क्या ये मीडियम आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपके हिसाब से? सी, देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन मीडियम्स। एक एक्टर के लिए जहाँ अच्छा एक कैरेक्टर है उसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, यही उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। सो वी डू नॉट चूज कैरेक्टर्स बेसिस ऑफ मीडियम, इट इज़ अबाउट विच शो इज़ ऑफर टू यू और विच फिल्म इज़ ऑफर टू यू एंड वॉट इज़ योर कैरेक्टर एंड वेर आर यू स्टैंडिंग इन इट। आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन चूजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम्स। 90s की बात की जाए तो राजेश जी, आपके दिमाग में 90s की चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रहती है अभी भी, और मतलब शो करते टाइम पे आप मिस कर रहे थे या आपको याद आ गई फौरन से कि मतलब हाँ ये चीज़? लैंडलाइन बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उस समय बहुत लाइफ जो थी बहुत ईज्ड आउट थी, मतलब बहुत ठहराव था, बहुत ज़्यादा भागते नहीं थे हम लोग, वो गति मिस करता हूँ। और बाकी तो उस समय का मौसम भी मिस करता हूँ, आजकल तो सब कुछ अनटाइमली हो गया, उस समय का वेदर क्लाइमेट सब मिस करता हूँ। नवंबर में फुल स्वेटर पहन लेते थे और आज तो मतलब दिसंबर में भी आप स्वेटर नहीं पहनने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब बहुत ख़राब लगता है। सीज़न 1 से सीज़न 2 पे आना तो मतलब कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज एन एक्टर्स भी, और मतलब कि ये रहता है कि ये शो पे मतलब बहुत ज़्यादा सीज़न 2 आया है तो मतलब कि ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो जाए ये शो, तो आप लोग ने मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के कंधे पे थी? आपकी तो नई एंट्री है ये शो में, आपके नहीं? आई थिंक सी द स्क्रिप्ट इन इटसेल्फ वाज सो कंप्लीट ना कि हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट उस लेवल पे, और हम किसी भी प्रेशर के साथ कोई काम नहीं करते हैं, मतलब आर प्रोसेस इज़ वेरी शुड, मतलब जो हम आपस में एंजॉय करते हैं वही ऑडियंस एंजॉय करती है। आप स्ट्रेस में दिखेंगे तो ऑडियंस आपको स्ट्रेस में ही देखेगी। सो आई थिंक वी वर मोर देयर एंड मोर फॉर द स्क्रिप्ट एंड वी वर देयर टू जस्टिफाई द स्क्रिप्ट, नॉट थिंकिंग कि ये सीजन 1 है कि सीजन 2 है कि सीजन 3 है, बिकॉज हम लोग सीजन एक्टर हैं। हेतल जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब कि ये सीजन में काम करते हुए क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आप इन दिग्गजों के साथ काम किए आपने? जी, एक्सपीरियंस कमाल का रहा दिग्गजों के साथ काम करके, तो अब मैं, मेरे को लग रहा है मैं भी एक दिग्गज हूँ। नंबर जोक्स अपार्ट, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। हम शायद ये बहुत सोच कर और ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके हम शायद नर्वस हो जाते हैं कि उनके साथ काम करना डिफ़िकल्ट होगा, बट जितना आप अपने मन में डिफ़िकल्ट बना लेते हो उतना बिल्कुल नहीं होता। आज भी हम जब भी कोई सीन करते हैं, हम बैठते हैं, हम रिहर्सल करते हैं, उसमें इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कहीं बार कितनी चीज़ें जो 90s की हैं जिसके बारे में मुझे, अंगद को हमें आइडिया नहीं था, ऐसी चीज़ों पर उन्होंने हमारी हेल्प की, तो काम करने में बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी लक्की फील करती हूँ ये अपॉर्चुनिटी के लिए। आप दोनों से जानना चाहेंगे सर कि आपने टीवी पर इवेंट्स पॉपुलरिटी पाई है, क्या ट्रांजिशन देखते हैं और आपके लिए कितना स्मूथ रहा ये चीज़? ये बहुत स्मूथ है, मतलब आप अपना होमवर्क कर चुके हैं और अब तो मतलब दो दशक हो जाने के बाद अब यू आर ऑल्सो एट ईज विथ योर सेल्फ, यू नो, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। अब वो जब हम आए थे तब आपको अपनी जगह बनानी थी, आज जगह बनी हुई है। अब ये है कि उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर हाथ में आते हैं
तो डेफिनेटली यू जस्ट जस्टिफाई इट एंड यू आर मोर डिसिप्लिन्ड, मोर यू नो फॉर द प्रोजेक्ट, बिकॉज अब एक्सपीरियंस के साथ अब आप काम करते हैं और आपको पता होता है कि समय कितना वैल्यूएबल है एंड यू शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड यू नो यू बिकम मोर फोकस्ड विथ योर वर्क. जी जी, आपसे जानना चाहिए. I think it to I got lost. Sorry. Yeah. My question bhool gayi. Television got lost. आपने टीवी पर इवेंट्स पॉपुलैरिटी पाई है क्या? यह ट्रांजिशन आपके लिए कितना स्मूथ है? राइट. सी, ट्रांजिशन करने के लिए नहीं किया. इट्स जस्ट एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, क्योंकि समय के साथ चलने में बिलीव करती हूँ मैं. उसका मतलब ये नहीं कि पीछे जो है उसे छोड़ दो, वो तो आपकी नींव है, आप अपनी नींव से कभी नहीं हिल सकते. लेकिन क्योंकि अब इतना कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, देर इज़ सो मच मोर टू ऑफर टू द व्यूअर्स एंड देर इज़ सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ एज एन एक्टर, जहाँ आप डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स कर सकते हैं और अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं. सो दिस वॉज जस्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर मी. और विथ एवरी प्रोजेक्ट सिंसियरिटी सेम होती है, अपने प्रोजेक्ट के प्रति उतना ही प्यार होता है, लगन होती है, आप अपना रोल 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं उसमें और अपनी परफॉर्मेंस में. तो वो चीज़ पहले भी सेम थी, आज भी सेम है और हमेशा रहेगी. जिस दिन वो एक्साइटमेंट कम हो जाए अपने काम को लेकर, उस दिन मुझे लगता है कि इंसान को काम फिर नहीं करना चाहिए वो वाला, क्योंकि फिर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं और अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं. सो एक्साइटमेंट रिमेंस द सेम. टेलीविजन को आप कितना क्रेडिट देते हैं? किस तरह का टेलीविजन के एक्टर बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं आपको लगता है ऐसा? मुझे सिर्फ ये लगता है कि ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टेलीविजन की सिचुएशंस अलग होती हैं, हम एवरीडे अंडर प्रेशर काम करते हैं, हमें नहीं पता होता एक शो शुरू होने पर कि वो शो कितना लंबा चलेगा, उसका कौन सा मोड़ लेगा, क्या स्टोरी होगी, मेरा कैरेक्टर का क्या रुख बदलेगा. सो टेलीविजन में यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एवरी डे, बट यू गो ऑन द सेट्स, यू हैव अ सरप्राइज एवरी डे. एवरी डे अ न्यू स्टोरी इज बिन रिटन, न्यू ट्रैक इज रिटन, वर्किंग अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग द एपिसोड्स, स्टिल यू एंड अप गिविंग द बेस्ट दैट यू कैन विद द एंटायर टीम. सो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल एंड दैट शुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम टेलीविजन. एट द सेम टाइम हियर द चैलेंजेस आर डिफरेंट. यहाँ आपको उतना टाइम नहीं मिलता परिवार बनाने का, एक दूसरे के साथ कम्फर्ट लेवल डेवलप करने का, वो आपको पहले दिन से दिखाना पड़ता है. और यहाँ टाइम का जो बाउंडेशन है वो कम है, लेकिन अपने परफॉर्मेंस में बेस्ट देना और पहले दिन से कैरेक्टर से आपसे जुड़ सके ऑडियंस, वो दिखा पाना, ये एक चैलेंज होता है कि आप अपने कैरेक्टर की स्किन में पहले दिन से हो. तो उसकी जो बिफोर हैंड प्रिपरेशंस होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं. तो दोनों मीडियम्स के अपने चैलेंजेस हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं. देर शुड बी नो कंपेरिजन बिटवीन द टू. OTT पर जो कंटेंट आ रहा है उसकी एक अलग सी इमेज बन गई है, मतलब काफ़ी डार्क और थ्रिलिंग इमेज आ रहा है, टू मच वायलेंस भी हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि दर्शक इस तरह के कंटेंट पसंद करेंगी? नहीं, पसंद कर रहे हैं तभी कर ही तो रहे, तभी रहे हैं. लेकिन बट ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इतना ही हो रहा है, अच्छे कंटेंट्स भी आ रहे हैं एंड देर आर सर्टन लाइक अमेजोन मिनी टीवी पे आप जब देखिए तो सब कुछ फैमिली से रिलेटेड ही है. अगर क्राइम थ्रिलर है भी तो वो ऐसा नहीं है कि जो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं. सो आई थिंक ऑल काइंड ऑफ कंटेंट इज हैपनिंग नाउ, वी हैव मोर प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर टैलेंट. और शोकेस मुझे लगता है कि चॉइस की बात होती है, जैसे खाने में भी आज किसी को इंडियन पसंद है, किसी को इटालियन, किसी को कॉन्टिनेंटल, किसी को चाइनीज. तो इसलिए ये वाला क्विज़ीन खराब हो गया, ऐसा नहीं. हर तरह के रेस्टोरेंट आपकी चॉइस पे है कि आप क्या देखना चाहते हैं. हेजल 90s की किड की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आपको अगर आप 90s में पैदा होती तो मतलब कि एक अच्छी चीज़ होती आपके लिए कि क्या? हाँ, ये बड़ी होके हम ही बनती ना. मैं यही बनती बिल्कुल. और 90s में पैदा होना एक बहुत क्या कहेंगे ये बड़ा है, हाँ बिल्कुल. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ईरा, इट्स अ ब्यूटिफुल ईरा. आज हम वो ईरा रिक्रिएट करते हैं, इट्स एन आइकॉनिक ईरा. और 90s में एक सिंप्लिसिटी है, एक सुकून है, एक पीस है. जैसे सर ने कहा था, फुर्सत है. आज फुर्सत ही नहीं है लोगों के पास. सो 90s वाज अमेजिंग, बट बीइंग अ जेन ज़ी टू प्ले समबडी लाइक रितिका, टू बी यू नो इन अ फैमिली हु बिलीव सो मच इन बॉन्ड, इन रिलेशनशिप्स, इन प्योरिटी. और वो 90s का एक माहौल बनना सेट पर, वही एक बहुत अमेजिंग फीलिंग थी कि आप जब रोज़ आप घर से आते हैं, आप वैन में तैयार होकर फिर आप एक ऐसे जोन में स्टेप अप करते हैं. बिल्कुल,
तो आप वैनिटी में तैयार होके फिर एक स्टेप अप लेते हैं और आप 90s में पहुंच गए और सारी चीज़ें प्रॉप्स इवन द कॉस्ट्यूम्स दैट वी आर वेयरिंग द प्रॉप्स दैट आर यूज्ड इवन यू नो ऑन पोस्टर यू कैन सी देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स दैट रिमाइंड्स यू ऑफ 90s सो इट टेक्स यू बैक देयर एब्सोल्युटली. जेन ज़ी की बात की जाए तो आजकल जो है जेन ज़ी को लोग एक और नाम दिए हुए हैं बर्गर बच्चे मतलब कि मैंने नया सुना है ये कब मिला हमको बर्गर मतलब बच्चे मतलब लोग ज्यादा खेल आउटडोर्स नहीं खेलते हैं दिन भर आईपैड ऑन पे रहते हैं या फिर जो है बर्गर खाना पसंद रहता है हम मतलब 90s की तरह उनका आलू मटर नहीं खाते ये सब चीज नहीं खा पाते हैं तो मतलब कि क्या कहेंगे उसके बारे में आपकी मतलब किसी जनरेशन को क्यों टारगेट किया जाए जब हम 90s के बच्चे थे ना तब हमको तब हमें जैसे आज हम जेन ज़ी के बच्चों की बात कर रहे हैं ना तब 90s के बच्चों के बारे में ऐसी ही बात की जाती थी क्योंकि तब हम नया नया ट्रांजिशन देख रहे थे क्योंकि 90s वाज द बिगेस्ट ट्रांजिशनल डेकेड आई थिंक तो इकोनॉमिकली वी वर चेंजिंग सो आई थिंक देयर शुड ऑल दीस सॉफ्ट ड्रिंक्स वर मतलब इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट टाइम सो देयर शुड नॉट बी एनी जजमेंट्स मेड ऑन बीइंग अ जेन ज़ी वी आर मूविंग अहेड एंड मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम बदलाव आना ही है बदलाव को एक्सेप्ट करना ही समझदारी है मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल और कोई से अपने रूट्स नहीं भूल सकता जी जी आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस इन दिनों सीजन के बारे में आपका क्या फीडबैक है अभी तो कोई सीजन ही नहीं चल रहा है मतलब अभी आएगा तो तब तक ठंड हो जाएगी नहीं तो बस ये कि वो लोग मेरे ख्याल से उन्हें बिग बॉस में जाने से पहले ये मेरी फैमिली देखकर जाना चाहिए प्यार और सद्भावना लेकर जाएं अंदर भोलापन लेकर जाएं तो एक दूसरे के पीठ पे खंजर ना घोंपे फैमिली की तरह रहें सर इन फ्यूचर आप लोग किस तरह का काम करना पसंद करेंगे मतलब अब किस तरह का तो बड़ा मुश्किल है बताना मतलब कॉमेडी ड्रामा या क्या नहीं 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 वी आर नॉट जॉनर वी आर मोर ऑफ एन एक्टर से और एक एक्टर ना कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये रोल करना है इमेजिन करके हमारे सामने एक बास्केट ऑफ रोल्स होते हैं जिसमें से हमें चूज करना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते केबीसी होस्ट करना चाहूंगा बोल भी दूं तो कोई मतलब नहीं है सो इट इज यू हैव टू चूज फ्रॉम व्हाट इज ऑफर्ड टू यू तो जब ऑफर होगा उसमें से जो जो पसंद आता जाएगा वैसे आप रोल्स में हमें देखते चले जाएंगे नए टैलेंट और अपकमिंग एक्टर्स को मतलब कौन प्रॉमिसिंग लगते हैं और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप मेरे लिए तो सबसे प्रॉमिसिंग हमारे लिए तो हमारी रितिका ही है ये तो हाउ स्वीट इज दैट रितिका है ऋषि इज द फ्यूचर ऑफ यू नो हमारे गुड वर्क एज अ वेरी गुड एक्टर दादी हमारी दादी क्यूटी क्यूटी क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे उस पर्सन एक्टर जल्दी 948th एडवाइस दीजिए एडवाइस मतलब ये फैक्ट है इसमें हेतल की तारीफ के लिए नहीं कह रही हूँ बट बहुत ही रेयर है इतना फोकस और इतना डिटर्मिनेशन किसी इस एज के बच्चे में देखना और जितनी समझदार है ये अपनी उम्र से कई ज़्यादा समझदार है और इसकी मैच्योरिटी जो है इट इज़ गोइंग टू टेक हर प्लेसेस इसमें बहुत पेशेंस है और बहुत ही बैलेंस के साथ चलती है एंड प्रोफेशनलिज्म बहुत है डेडिकेटेड है तो वो जो कॉम्बिनेशन चाहिए ना हर चीज़ का जो आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाए वो कूट कूट के भरा है हितल में तो इसको कोई मुझे इस किस्म का एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है हमारा ऋषि तो अभी छोटा है तो उसको थोड़ा समय लगेगा ये पकड़ने में कि वो कौन सी दिशा में जाना चाहता है तो उसके मम्मी पापा को एडवाइस देंगे आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप जो है रोशेश के स्टाइल में नहीं 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 अलाउड नहीं सवाल ही नहीं अलाउड ही नहीं आवाज ही गई यार नहीं रोशेश नहीं बोलो आप अभी ये मेरी फैमिली बहुत मुश्किल से एक अच्छा किरदार मिला है जो रोशेश को भुलवा देगा तो मेरा फैन से भाई यही दरख्वास्त है कि इस मेरा फैन से यही दरख्वास्त है कि इस प्रोजेक्ट को इस ये मेरी फैमिली को अपने फैमिली का हिस्सा बनाएं और इसको उतना ही सराहें उतना ही प्यार दें जितना आपने सीज़न वन को दिया था और बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे आप और जैसे हंसते खेलते आप हमने इसको बनाया है उतना ही हंसते खेलते आप इसका आनंद भी उठाएं जी जी हाँ
मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और उम्मीद भी करूंगी साथ में कि आपको हमारा ये सीज़न जैसे पहला सीज़न पसंद आया उतना ही पसंद आया या उससे ज़्यादा पसंद आया, ताकि आपको ये लगे कि जो आपने इतने साल इंतज़ार किया है एक नए सीज़न के आने का, वो इंतज़ार का फल आपका मीठा रहा और आपको हमारी फैमिली से भी उतना ही प्यार और जुड़ाव हो जितना आपका पहले सीज़न से हुआ। एंड हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ एक ऐसा शो बनाने की कोशिश की है जो आपके दिलों को छुए, तो वी रियली होप एंड प्रे कि वो छुए। आप बस उसी ओपन माइंड के साथ और बिना किसी दिमाग में फिक्सेशंस और फिल्टर्स के साथ देखें, एकदम फ्री होकर इंजॉय करने के लिए देखें, एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय दिस सीरीज। नॉट just to my fans but the fans of Ye Meri Family season 1 who has loved it so so much, and today when we read comments it feels absolutely amazing to, you know, to see so much of love showered on a show and the belief that you all have. And I think it would be fair to us, it would be fair to the creators who have created such an amazing show to give it a try, to watch it, and I think all you need to do is to just watch it once without just having a certain mindset towards it. And thank you so much for all the love that you've already showed. And it really means a lot. We read all the comments and we see. We read all the comments. We do read and we like all the comments. हमको सब पता है क्या क्या बोलते हो. But thank you so much for it. Thank you. Yeah, thank you so much for that. Yes.